गुजरात के खिलाफ अंतिम 5 गेंदों में चाहिए थे 28 रन। रिंकू सिंह ने 5 लगातार छक्के जड़कर पूरे क्रिकेट जगत में बड़े से बड़े दिग्गजों को अपना मुरीद बना लिया। एक हारे हुए मुकाबले में भी अपनी टीम को जीत दिलाकर उन्होंने क्रिकेट की उन बुलंदियों को छू लिया जिसे बड़े से बड़े क्रिकेट के दिग्गज भी नहीं छू पाई। उनकी शानदार बल्लेबाजी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और उनकी बल्लेबाजी को देख देश के पीएम मोदी जी ने भी कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया था जिसमें गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रनों के पहाड़ समान लक्ष्य को खड़ा किया था। केकेआर की टीम के सामने गुजरात की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन विजय शंकर ने बनाए। 24 गेंदों में नाबाद 63 रनों की पारी खेली उन्होंने अपनी टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके जवाब में जब केकेआर लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुरबाज 15 रन बनाकर आउट हुए और जगदीशन ने 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभालते हुए दोनों छोर से शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को इस मुकाबले में फिर एक बार जिंदा कर दिया। वेंकटेश अय्यर अर्धशतक लगा चुके थे जबकि 45 रन के स्कोर पर नीतीश राणा आउट हुए और यहां से मुकाबला फिर एक बार डगमगा गया। अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 56 रनों की जरूरत थी और इस बीच वेंकटेश अय्यर 40 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए और अगले ओवर में राशिद खान ने हैट्रिक लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की कमर ही तोड़ दी थी। पहले रसल आउट हुए और उसके बाद सुनील नारायण और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर भी 0 के स्कोर पर आउट हो गए। लगभग हार की दहलीज पर पहुंच चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। रिंकू सिंह अकेले क्रीज पर मौजूद थे। 8 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी। पहले रिंकू सिंह ने एक छक्का और एक चौका लगाया और अंतिम ओवर में 29 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर उमेश यादव ने रिंकू को सिंगल दिया और उसके बाद रिंकू ने लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के ठोक इस हारे हुए मुकाबले में भी अपनी टीम को जीत दिला दी। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आखिर कैसे यह मुकाबला केकेआर की टीम जीत जाएगी सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह की बदौलत। रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी के बाद पीएम मोदी ने एक रोमांचक मुकाबले की बातचीत करते हुए बताया कि वाकई में मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। हालांकि एक तरफ हमारी टीम गुजरात थी जो लगभग ऐसा लग रहा था कि टीम जीत ही चुकी है, लेकिन रिंकू सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जो कोलकाता की टीम के लिए अंतिम चरण तक लड़ते रहे। वह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जब तक हार ना हो जाए हमें लड़ते रहना चाहिए। रिंकू सिंह के 5 छक्के वाकई में बेहद दिल जीत लेने वाले थे। मुझे लगता है ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए जिससे कि हमारी टीम आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम भी रोशन हो। पीएम ने कहा, ऐसे खिलाड़ियों की मैं खुद सिफारिश करता हूं जो देश के मनोबल को आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड कप 2023 हम सभी के लिए काफी ज्यादा अहम है और हम यही चाहेंगे कि रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना हमारे देश का लक्ष्य है। 140 करोड़ देशवासियों को वर्ल्ड कप के जरिए ही सुकून मिल पाएगा। इस तरह से पीएम ने रिंकू सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए दिल जीत लेने वाली बात कही। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में हो सकता है उन्हें टीम इंडिया में जगह भी मिल जाए। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह को वर्ल्ड कप 2023 में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।